कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैंने लगाई थी कल अनार का पौधा, तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पौधा मैंने कल लगाई थी और ये कहाँ पे उगा हुआ था ये भी दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए इसको मैंने कैसे लगाए हैं तो वो देख लेते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक मैं नया ही वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पर रखा है एक गमला मेरा, इसमें मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए ये अनार का एक पौधा उगा हुआ है। तो आज मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरी जगह। तो चलिए ऐसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आपको दिखाती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखिए इस मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, लेकिन शाम नहीं हुई है अभी। अभी शाम का 4 बज रहा है। और चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल चुकी थी, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अपने आप उगा हुआ है ये पौधा। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ली हूँ इधर ये राइस का बैग है ये, तो इसमें लगाएंगे हम अभी इसे। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर इसे ट्रांसफ़र करेंगे। और इधर ये मेरी मिट्टी है और ये मेरी किचन वेस्ट मिट्टी है, तो इसको ले लेंगे हम थोड़ी सी। तो ये देखिए, ये हमारा किचन वेस्ट मिट्टी है और ये हमारी नॉर्मल मिट्टी है, तो इसे हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मिट्टी भर ली हूँ अच्छे से पूरी, और इसे अभी फोल्ड कर दिया। बाद में हम ये फोल्ड भी खोलेंगे और मिट्टी डालेंगे। और इधर ये पौधा है, इतना प्यारा लग रहा है, तो इसमें हम डालते हैं पानी। तो देखिए मैंने इसमें और पहले भी पानी डाला हुआ है। तो इसकी जड़ें काफ़ी गहरी चली गई है, मैंने बहुत आराम आराम से इसको निकाल रही हूँ ताकि जड़ ना टूट जाए। तो देखिए मैं बार बार इसमें कुछ डालने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मैंने बहुत सारी मिट्टी हटा के और अंदर तक उंगलियाँ डाली है ताकि इसकी जड़ बिल्कुल सेफ निकले, तभी ये पनपेगा, नहीं तो मर सकता है। तो इसलिए मैंने बहुत आराम से निकाली हूँ। और देखिए कितनी मेहनत लगी इसे निकालने में। और ये दिखने में इतना छोटा पौधा है, लेकिन इसकी जड़ बहुत नीचे तक चली गई थी। और देखिए पौधे लगाना कितना, पालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर हम एक पौधा पालें तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और देखिए इस छोटे से पौधे की जड़ देखिए कितनी लंबी है, बहुत मुश्किल से निकला है भाई ये। तो ये मेरी मिट्टी तैयार हो चुकी थी यहाँ पे, मैंने इसमें पानी डाली थी ताकि मिट्टी अच्छी भीग जाए और जब पौधा मैं लगाऊँ तो जड़ अंदर आसानी से चली जाए। तो मैंने यहाँ एक रॉड ले ली थी, रॉड की सहायता से मैं सोच रही थी कि मिट्टी इधर उधर कर लूँ, तो मैंने यहाँ रॉड की सहायता से मिट्टी कर रही थी, हटा रही थी। और ये पौधा मैंने लेकर इसकी जड़ पकड़ के थोड़ा नीचे अंदर किया और फिर साइड से मिट्टी अच्छे से लगा दी, तो फाइनली मेरा पौधा लग के तैयार हो चुका है। मेरे पौधे अनार का पौधा देखिए, और ये मैंने कल लगाए थे टमाटर। तो फ्रेंड्स पौधा लगा के तो हो गया है, और देखिए अभी होने लगी है बारिश थोड़ी थोड़ी, तो हम लेते हैं बारिश का मज़ा। और वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं पौधा लगा रही थी तो इधर क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है ये लड़की? इस पे 24 घंटे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ये करती। हेलो करो फ्रेंड्स को, हेलो करो फ्रेंड्स को, हाय फ्रेंड्स, आज आपकी मम्मा ने क्या करी आपको? इसको पता ही नहीं है मैंने क्या करी हूँ, इसको पता नहीं है, नहीं तो ये पता है आके तोड़ देती। ये ऐसी करती, मैं पौधा लगाती ना तो ये पौधों को तोड़ देती है। ये देख लो इसको अच्छे से, ये लड़की को, ये वाली पप्पी ले ले।
तो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा, आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये देखो, बाय 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 बाय, इसको मोबाइल की चिप चला रही, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बहुत शैतान लड़की है। बाय कर दो एक बार, बाय कर दो, देखो इतनी बिजी है। बाय। तो आ जाइए, ये सेकंड बार हमारे यहाँ जामुन इतनी अच्छी देखिए। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक दो बार पानी से, और इसमें डालूँगी मैं खूब सारा नमक, और फिर उसे अच्छे से मिला देंगे और फिर इसे खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।